हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। सो यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 5x प्लस टू माइनस रूट ऑफ 4x प्लस फोर अपॉन x माइनस टू इफ x is not equal to 2 and k if x is equal to 2। ठीक है, सो ये आपका फंक्शन है। हमें k की वैल्यू बतानी जिसके लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाए एट x is equal to 2। ठीक है, सो यहां पर f2 क्या है हमारा, f2 k है। ठीक है, f2 क्या गिवन है, k गिवन है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स जो है वो एफ टू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। अब टू के दोनों साइड सेम डेफिनेशन है फंक्शन की, टू के दोनों साइड सेम डेफिनेशन है फंक्शन की, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू टू रूट ऑफ 5x प्लस टू माइनस रूट ऑफ 4x प्लस फोर अपॉन x माइनस टू करते हैं इसको। ठीक है, ये लिमिट कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर एनालाइज करेंगे हम लोग, रूट ऑफ 5x प्लस टू प्लस रूट ऑफ 4x प्लस फोर अपॉन रूट ऑफ 5x प्लस टू प्लस रूट ऑफ 4x प्लस फोर, ये हो गया। कैलकुलेट करते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंस टू टू ए माइनस बी, और यहाँ पे हो गया ए प्लस बी। ठीक है, ये है ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ये जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो रूट ऑफ 5x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 4x प्लस फोर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू इंटू रूट ऑफ 5x प्लस टू प्लस रूट ऑफ 4x प्लस फोर। आगे बढ़ते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया 5x प्लस टू माइनस 4x प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू रूट ऑफ 5x प्लस टू प्लस रूट ऑफ 4x प्लस फोर, लिमिट एक्स टेंस टू टू। सो यहाँ पे देखो, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये, सो हो जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू इंटू रूट ऑफ 5x प्लस टू प्लस रूट ऑफ 4x प्लस फोर, कैंसिल हो गई। और लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ये टू पुट करेंगे, सो होगा रूट फोर रूट ट्वेल्व प्लस रूट ट्वेल्व, ये टू रूट ट्वेल्व। ढंग से लिखना चाहें तो वन बाई फोर रूट थ्री। सो लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स जो हमारा आ गया है वो वन बाई फोर रूट थ्री आ गया है। ठीक है, सो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, तो के यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम लोग, वन बाई फोर रूट थ्री, ये के की वैल्यू आ गई जिसके लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू टू। सो ये हमारा 15th क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है, 16th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरा k वेयर x इज इक्वल टू जीरो, स्वयं फंक्शन है। ठीक है, करते हैं हम लोग। अगर फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है, फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो होना चाहिए।
और यहाँ पे क्या है एंड f ऑफ जीरो, यहाँ पे क्या है k, एंड हेयर f f ऑफ जीरो इज इक्वल टू k, f जीरो यहाँ पे k है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हम लोगों को क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स निकालना है, ये लिमिट कैलकुलेट करनी है बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बजाय डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट करूंगा, क्यों, क्योंकि जीरो के दोनों साइड सेम डेफिनेशन है फंक्शन की। सो हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x प्लस x cos x अपॉन x, जो कि इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x प्लस x cos x अपॉन x, कैंसिल हो गया यहाँ पे x, सो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x प्लस cos x, ठीक है। x टेंड्स टू जीरो यहाँ पे, ठीक, x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये तो वन होगी लिमिट, और ये भी कितना हो गया वन, सो वन प्लस वन कितना हो गया, तो लिमिट कितनी आ गई, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स जो है वो टू आ गया, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू टू, और यही क्या होना चाहिए, f ऑफ जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो टू इज इक्वल टू कितना आ गया, k, k की वैल्यू आ गई हमारी टू, सो यहाँ से k की वैल्यू हमारी टू आ गई है, ठीक है। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, थर्ड पार्ट में करवा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम सही पार्ट्स हैं अभी सारे क्वेश्चन से जैसे ही हैं। थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कोस फोर एक्स बाई एट एक्स स्क्वेयर वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कोस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और के वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, करते हैं हम लोग कैलकुलेट। सो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है तो सेम प्रोसीजर है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ जीरो के इक्वल होना चाहिए। सो के जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगा, एफ जीरो की वैल्यू कितनी, के, तो ये कितना होगा, के होगा। हम लोगों को यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब लिमिट जो होगी वही के की वैल्यू होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स जो होगा वही हमारी के की वैल्यू होगी, करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट निकालते हैं एफ एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कोस फोर एक्स पर वन माइनस कोस फोर एक्स बाई एट एक्स स्क्वेयर, सो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां पर वन माइनस कोस फोर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टू साइन स्क्वेयर टू एक्स अपन एट एक्स स्क्वेयर है, ये हो गया फोर, सो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन टू एक्स का होल स्क्वेयर हो गया, ठीक है, और फोर एक्स स्क्वेयर है ये, ठीक है, फोर एक्स स्क्वेयर है, तो इसको हम लिखेंगे टू एक्स का होल स्क्वेयर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन टू एक्स का होल स्क्वेयर और ये टू एक्स, और ये कितना आ जाएगा जब हम लोग साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी है तो वन, तो ये आ जाएगा वन, सो लिमिट हमारी आ गई वन, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू वन, जो कि हमारा एफ ऑफ जीरो के इक्वल होना चाहिए। सो के इज इक्वल टू कितना आ गया वन, यहाँ से के की वैल्यू हमारी आ गई वन, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट जो है थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन का, एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, यहां पे हो गया वन बाई टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो
और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये है फॉर इक्वेशन, ठीक है। सो हम लोगों के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वही बात है कि क्या बोलेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू होना चाहिए। क्या है कि एक्स लिमिट जो होगी वो हमारी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अब लिमिट तो हमारी ये कैलकुलेट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू वन बाय टू है। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब वन माइनस कोस के एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा टू साइन स्क्वेयर के एक्स बाई टू, टू साइन स्क्वेयर के एक्स बाई टू अपॉन एक्स साइन एक्स है, ठीक है। सो मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पे एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड किया। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वेयर के एक्स बाई टू, और मैंने यहां पे साइन एक्स बाई एक्स अलग लिख लिया और यहां पे एक्स स्क्वेयर। तो ये तो आपको पता है वन को अप्रोच कर जाएगा, यहां पर एंगल के एक्स बाई टू है तो मेरे को डिनोमिनेटर में भी एंगल के एक्स बाई टू चाहिए, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में भी के एक्स बाई टू का होल स्क्वेयर चाहिए मेरे को। तो करते हैं, तो मैंने लिखा, इधर लिख देता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू साइन स्क्वेयर के एक्स बाई टू साइन एक्स अपॉन एक्स है ही। सो मैंने के स्क्वेयर बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दिया और के स्क्वेयर बाई फोर से डिवाइड कर दिया, इधर ये मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सो इसको मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा के स्क्वेयर बाई फोर इंटू टू साइन स्क्वेयर के एक्स बाई टू, ओके ये साइन एक्स बाई एक्स है, इसको लिख लिया हमने के एक्स बाई टू का होल स्क्वेयर। सो ये हमारा वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, सो लिमिट क्या होगी, के स्क्वेयर बाई टू, लिमिट हमारी के स्क्वेयर बाई टू होगी। अब फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या हो गया कि जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के, और फंक्शन की वैल्यू वन बाई टू, और ये कितना है के स्क्वेयर बाई टू, सो के स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू, के स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, और यहां से के की वैल्यू होगी प्लस माइनस वन, यहां से के की वैल्यू आ गई है हमारी प्लस माइनस वन, सो ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया, के की वैल्यू प्लस माइनस वन आ गई। इसी तरीके से हमारे आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। सो जो हमारा 17th क्वेश्चन है, 16th ओवर हो गया, चार पार्ट थे इस क्वेश्चन में। सो जो हमारा 17th जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17th, इसमें भी फोर पार्ट्स हैं, इसका मैं थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, थर्ड पार्ट अच्छा है वो पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, बाकी सब इजी हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स, और यहां पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन जीरो, और दूसरा है टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, और यहां पे क्या है कंडीशन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू वन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन। बढ़ते हैं आगे, सो हम लोगों को बोला गया है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू जीरो, हमारा फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो कंटिन्यूस है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोगों को लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो लिमिट निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस
रूट ऑफ वन प्लस के एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, लेफ्ट एलिमेंट निकाल रहे हम लोग, करते हैं आगे। सो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन प्लस के एक्स का रूट माइनस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे मैं करूँगा रैशनलाइज कर देता हूँ। सो हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए माइनस बी ए प्लस बी, सो यहां पर हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन प्लस के एक्स माइनस वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स। ठीक है, करते हैं हम लोग। यहां पे वन यहां पे माइनस वन ये कैंसिल हो गए। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस के एक्स और ये माइनस के एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस करके टू के एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पे रूट ऑफ वन प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, पुट कर देंगे हम लोग पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच एच टेंस टू जीरो पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच एंड एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ हो गया टू के और यहाँ पे कितना होगा रूट ऑफ वन माइनस के एच प्लस रूट ऑफ वन प्लस के एच। अब जब हमारा के जीरो को अप्रोच करेगा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो सॉरी एच जीरो को अप्रोच करेगा तो हो जाएगा टू के अपॉन में रूट वन प्लस रूट वन तो टू और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई के। सो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है के आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग, सेम प्रोसीजर से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। सो ये क्या हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स वैल्यू कितनी है टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, पुट कर दिया हमने एक्स को जीरो प्लस एच एंड एक्स टेंस टू जीरो, एक्स को पुट कर दिया जीरो प्लस एच एंड एक्स टेंस टू जीरो। सो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एच प्लस वन अपॉन एच माइनस टू और हमारी लिमिट जो है एच जीरो का अप्रोच कर जाएगा तो होगी माइनस वन बाय टू। ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट भी आ गई, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एफ जीरो होगा, सो एफ जीरो होगा टू इंटू जीरो प्लस वन अपॉन जीरो माइनस टू माइनस वन बाई टू। सो फंक्शन कंटिन्यूस उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट और बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ जीरो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, ओके लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी के, राइट हैंड लिमिट माइनस वन बाई टू और फंक्शन की वैल्यू माइनस वन बाई टू। सो यहाँ से क्या आ गया के की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स भी आप देखोगे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं और ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो आप इनकी प्रैक्टिस करो, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।